राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और कहां से कहां पर क्षत्रियों की टिकट काटी जा रही है, इसके रुझान भी जल्दी आने वाले हैं। आज हम बात करने नीम का थाना विधानसभा सीट की। तो भाइयों, ये एकमात्र सीट है जिले से क्षत्रिय विरोधी बीजेपी क्षत्रिय समाज को सिर्फ एक टिकट देती है, पहले दो तीन देती थी और वो भी सिर्फ नीम का थाना में देती है, जहाँ पर 36 गाँव महाराजा नंगवाल तोमर के वंश तवर राजपूतों के हैं और तवर राजपूतों की जहां रियासत रही है पाटन। तो भाइयों, प्रेम सिंह बाजोर को जहां पर तवर राजपूतों ने बहुत बार जिताया और पिछली बार आनंद बार मुद्दे और उसको लेकर वो पिछली बार धोखे से हार गए थे, लेकिन पहले 20 साल लगातार जहां से जीतते रहे। लेकिन देखने की बात यह है कि अब टक्कर क्षत्रिय समाज के दो लोगों में है जो मजबूती से दावा पेश कर रहे हैं, जिसमें प्रेम सिंह बाजोर और रघुवीर सिंह जी तवर। रघुवीर सिंह जी का जो दावा है वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि जो प्रेम सिंह बाजोर थे उन्होंने 2013 में बोला था कि मैं आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ और सभी तवर राजपूतों ने उनको वोट देकर जिता दिया। लेकिन इस बार ज़्यादातर तवरों का मानना है कि इस बार रघुवीर सिंह जी तवर को ही जिताना है और पूरे बाकी लोगों का भी यही मानना है। इस सीट पर क्षत्रिय समाज के 40,000 वोट हैं, दोनों कद्दावर नेता हैं। अब देखने की बात ये है कि किसको टिकट मिलती है, लेकिन ये ना हो कि क्षत्रिय समाज की आपसी लड़ाई की वजह से क्षत्रिय विरोधी पार्टी क्षत्रिय का टिकट ही काट दे। तो भाइयों, आप देख सकते हो कि एक उम्मीदवार का प्रदेश की राजनीति में नाम है। राजस्थान में अपने खर्चे से शहीदों की मूर्तियां लगाई थी, 25 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं, शहीदों की जगह जहाँ मूर्ति लगा रहे हैं और बड़े बामा शाह कहलाते हैं। 10 करोड़ रुपया जो कि कोरोना में दान किया था। खैर, वो बात अलग है कि क्षत्रिय विरोधी मीडिया ने इनके बारे में एक बार भी नहीं बताया कि इन्होंने कितना दान किया, जिनका नाम है प्रेम सिंह बाजोर। लेकिन इस बार इनसे जो ज़्यादा दावा जिनका ठोका जा रहा है और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो दूसरा नाम आता है रघुवीर सिंह जी तवर, जो पिछले 15 सालों से टिकट लेने की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार इनका दावा बहुत ही मजबूत है। नीमका थाना राजपूत हॉस्टल में उन्होंने 40 से 45 लाख रुपए का दान दिया है। जो नीमका थाना के जो मूल निवासी हैं वो भी रघुवीर सिंह जी तवर ही हैं। तो ही प्रेम सिंह बाजोर जो कि बाहर से हैं, इस बार इसीलिए रघुवीर सिंह जी तवर का ज़्यादा दावा ठोका जा रहा है और पूरा जो तवरा पार्टी है वो उनके समर्थन में आ खड़ी हुई है। लेकिन देखने की बात ये है कि किसी को भी टिकट मिले तो आपस में सहमति से एक बंदा टिकट ले ले, ये ना हो बेबी क्षत्रिय विरोधी पार्टी काट कर रख दे। तो आप सभी का क्या कहना है, इस पर विचार करें और आप सभी मिलकर ही एक कैंडिडेट को चुनें। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई और हो रही इतिहास चोरी की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेबाकी से खुलकर क्षत्रिय समाज की हो रही इतिहास चोरी और क्षत्रिय विरोधी लोगों को मुँह तोड़ जवाब देते रहें।